एक विमान टोक्यो के हवाई अड्डे पर लैंड करता है। वक्त था 12:30। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरकर चेक आउट काउंटर की तरफ बढ़ रहे थे। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसका पासपोर्ट देखकर हैरान रह गए। यात्री के पासपोर्ट पर टोरिड नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे किसी देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दी और उसे पूछताछ के लिए ले जाया गया। पूछताछ के दौरान जो कुछ हुआ उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। वो यात्री जिस कारोबारी से मिलने आया था उसके बारे में पता किया गया तो अधिकारियों को लगा उन्होंने इस केस को सुलझा लिया है। लेकिन उसके बाद उस रात जो हुआ वो पूरी दुनिया को हैरत में डाल गया। ये घटना 1954 की है। ये एक यूरोपीय विमान था। विमान ने सामान्य रूप से टोक्यो के हेनेडा हवाई अड्डे पर लैंड किया था। टोक्यो जैसे व्यस्त शहर में हर कोई जल्दी में था। विमान से उतरते ही सभी यात्री तेजी से चेक पॉइंट की ओर जा रहे थे। रूटीन चेकिंग चल रही थी तभी एक व्यक्ति टोरिड देश का पासपोर्ट लिए नजर आता है। पासपोर्ट और अन्य सभी डॉक्यूमेंट सही लग रहे थे लेकिन देश का नाम देख अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा था। टोरिड एक ऐसा देश जो दुनिया के नक्शे पर था ही नहीं। लेकिन जब उस यात्री से मैप दिखाते हुए पूछा गया कि आखिर उसका देश धरती पर किस जगह है तो वह एक पल में मैप पर उंगली रखते हुए बताता है कि उसका देश कहां है। लेकिन जिस देश पर उसने उंगली रखी वहां टोरिड की बजाय अंडोरा देश था। ऐसे में वो यात्री मानने को तैयार ही नहीं था कि जिस देश से वह आया है असल में वो धरती पर कहीं है ही नहीं। अधिकारियों को पासपोर्ट वीजा देखकर तो लग रहा था कि वो सच बोल रहा है लेकिन हकीकत में उन्हें ये एक काल्पनिक देश ही लग रहा था। अब वो रहस्यमयी यात्री सच बोल रहा है या झूठ, यह जानने का एक ही उपाय था और वो ये कि वह कारोबार के सिलसिले में किससे मिलने आया है। अधिकारियों के पूछने पर उसने कंपनी का नाम बताया, साथ ही होटल के बारे में जहां उसे ठहरना था। इसके बाद उस कंपनी और होटल से संपर्क किया गया लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। जांच अधिकारियों को अब लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो पहचान छुपा रहा है। उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले ही सील कर दिया गया था। इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात थी कि एयरपोर्ट पर जो पासपोर्ट और वीजा समेत अन्य कागजात जब्त किए गए थे वे भी गायब हो गए। किसी को समझ नहीं आया आखिर ये कैसे हुआ।